हेलो गाइस, आज मेरे पास है महिंद्रा पिकअप। ये स्टार्ट नहीं हो रही है, इसमें शायद स्टार्टर का प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं स्टार्टर यहाँ पे फिट होता है ये स्टार्टर। और उसके बाजू में जो है वो सलो स्विच है जो ये आर्मेचर को घुमाने का काम करती है। उसका जो ब्लेंडेक्स है वो बाहर निकलने का काम ये लाइव सोलेनोइड करता है, जिसे हम सलो स्विच भी बोलते हैं। अभी ये सलो स्विच को अलग करना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसको पहले ये आर्मेचर से अलग कर देता हूँ। ये मैंने अलग कर दिया। अभी इसमें जो ये जो वायर दिख रहा है ना, वो उसका सोल्डरिंग से उसका कनेक्शन टूट गया था, तो उसकी वजह से उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए सेल नहीं लग रहा था, मतलब कि मेरा जो महिंद्रा पिकअप है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी देखो ये स्विच चालू हो गया, काम करना उसने शुरू कर दिया। तो अभी मैं उसको जब वो आर्मेचर से कनेक्ट करके स्टार्टर को फिट कर दूंगा, तो उसमें पहले ये होता था कि ब्लेंडेक्स बाहर नहीं आता था, तो इसकी मदद से अभी ब्लेंडेक्स बाहर आने लगेगा और मेरा जो महिंद्रा पिकअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं। तो अभी ये फिटिंग हो रहा है, ये फिटिंग उसका कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं कि ये स्टार्ट हो गया कि नहीं। देखो ये आर्मेचर ऐसे ही घूम रहा है। अभी जब स्विच में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो ब्लेंडेक्स है वो भी बाहर निकलेगा। देखो तो ऐसे करके हमने ये पूरा प्रॉब्लम ढूंढ लिया और फिर उसको रिपेयर करके वापस से महिंद्रा पिकअप में लगा दिया। तो अभी देखो ये मैं लगा रहा हूँ, वो इंजन के नीचे के भाग में आता है तो नीचे से लगाना पड़ता है। यहाँ पे होता है इसका फिटिंग। अभी इसका फिटिंग कंप्लीट होते ही मैं आपको मेरा जो ये महिंद्रा पिकअप है वो स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट ये अभी फिट होने वाला है, तो चलो अभी देखते हैं कि स्टार्ट होता है।